होती कोई बाहर की मोटर गाड़ियों की वहाँ पे सिर्फ जानवरों की चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं फिर यह है कि हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस क्या आप कभी भी किसी बहुत ही घने जंगल में या इस तरह की जगह गए हैं तो आप गए हैं तो लिख सकते हैं येस आई हैव बीन टू जंगल आई हैव कॉन टू कॉर्पेट नेशनल पार्क ऐसे करके राइट योर एक्सपीरियंस आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो भी है अब देखिए मूविंग ऑन द स्नो तो किस तरीके से बच्चे जो हैं ये देखिए बच्चे जा रहे हैं स्नो में चल करके अपने स्कूल की तरफ और बच्चे जो हैं कहते हैं कि हम हाथ पकड़ करके बहुत केयरफुली जो है स्नो को पार करते हुए जाते हैं हमारे पैर जो हैं कई बार स्नो के अंदर सिंक हो जाते हैं मतलब डूब जाते हैं और स्नो जो है वो जमी हुई है और कई बार हम लोग स्लिप हो करके उस पर गिर भी पड़ते हैं ये सब बताया गया है तो इसमें है आगे हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर क्या आपने कभी भी देखी है इतनी सारी स्नो तो आप कह सकते हैं यस आई हैव सीन सो मच स्नो वैन आई वेंट टू शिमला एंड ऑल्सो आई हैव सीन दिस मच सो मैनी सो मच स्नो वैन इन द टी वी टी वी में देखिए आप शिमला गए होंगे जम्मू गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखी होगी ऐसी जगह फिर डू यू थिंक दैट सच प्लेसिज हैव स्नो ऑल द टाइम वाई नो आई डोंट थिंक सच प्लेज हैव स्नो ऑल द टाइम बिकॉज इन विंटर सीज़न दे गेट दैट much स्नो एंड इन समर सीज़न द स्नो मेल्टेड अवे या फिर कहीं बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड में है तो ऐसे कहीं कहीं बार क्या होता है ऐसी जगहों पर हमेशा जो है बर्फ़ जमी रहती है अब नेक्स्ट आता है रॉकी बाथ्स ये है उत्तराखंड का तो देखिए ये बच्चे बताते हैं कि हम लोग माउंटेंस में रहते हैं पहाड़ों में जो रास्ते हैं ना वो बड़े पथरीले होते हैं और उबड़ खाबड़ होते हैं चिल्ड्रन जो रहते हैं प्लेन्स में उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे पहाड़ों पे चढ़ने चलने में मगर हम तो इस पर बहुत ही आराम से चल लेते हैं ऐसा ये बच्चे जो हैं वो बोलते हैं तो इसमें क्वेश्चन है डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल क्या आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है दिक्कत होती है स्कूल तक पहुँचने में होती है तो बता दीजिए नहीं होती तो कह दीजिए नो आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल मुझे स्कूल जाते हुए नहीं होती कोई परेशानी नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल वाई कौन से महीने में आपको स्कूल जाना सबसे ज़्यादा पसंद है तो आप कह सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज इट इज नॉट टू मच कोल्ड एंड नॉट टू मच वॉर्म तो तब मज़ा आता है एंड द ग्राउंड इज सॉफ्ट एंड स्मूद एंड द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इस टाइप से आप लिख सकते हैं विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट फ्राम चिल्ड्रंस पेन हमारा चैप्टर अब देखिए हो गया है कम्प्लीट इसमें भी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है आ, जिसको किया जाए वैसे डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल मतलब इन बच्चों को पनिशमेंट वगैरह मिली हुई है नो no पनिशमेंट करके तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट था वो सारा हमने पढ़ लिया है आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब